Hey, you awesome people, it's YVS Momu. Welcome back with another new video. So, आज की वीडियो होने वाली है ट्रेन नंबर 1550 पटना जयनगर इंटरसिटी एक्सप्रेस. और इस ट्रेन के बारे में मैं बता दूँ, ये ट्रेन पटना जंक्शन से 3:30 बजे खुलती है और आपको जयनगर रात 11 बजे पहुँचाएगी. पटना से खुलने के बाद इसका पहला स्टॉप है पाटलिपुत्र, उसके बाद सोनपुर जंक्शन रुकती है, सोनपुर के बाद आपको अगला स्टॉप है हाजीपुर, भगवानपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, सकरी, मधुबनी होते हुए ये जयनगर आपको 11 बजे रात में ये ट्रेन आपको पहुंचाएगी. ये था टाइम का बात. और ये ट्रेन 244 किलोमीटर ट्रेवल करती है और समय लेती है 7 घंटा 30 मिनट. और इसका एवरेज स्पीड है 32 किलोमीटर प्रति आवर और मैक्सिमम 110 किलोमीटर प्रति आवर. और ये ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 से ही निकलती है. अभी मैं वेट कर रहा हूँ, हाफ आवर पहले मैं पहुँच चुका हूँ पटना जंक्शन. और उसके बाद पूरा जर्नी मैं आपको दिखाने वाला हूँ. पहली बार मैं एसी चेयर कार में जा रहा हूँ, कैसा जर्नी होने वाला है वो मैं आपको दिखाऊँगा, बने रहिएगा. तो फ्रेंड, अपनी ट्रेन आ चुकी है और अभी दोपहर के बज रहे हैं 3:10 और यहाँ से ट्रेन का टाइमिंग है 3:30 और 20 मिनट पहले गाड़ी यहाँ लग चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे. और अपना कोच है C1. हटिए भैया, कितना नंबर है मेरा, 21. ये रहा अपना C35 विंडो साइड. और हमने जान के विंडो साइड लिया था ताकि आपको मैं दिखा सकूं बाहर का नज़ारा. सो अभी शाम के बज रहे हैं 4 और इस ट्रेन का टाइमिंग था 3:30 बजे पटना जंक्शन से खुलने का, लेकिन ये ट्रेन खुली है 1/2 घंटा लेट. मैं आपको दिखा रहा हूँ ट्रेन. फिलहाल आपका भाई पहुंचने वाला है फर्स्ट हॉल्ट इंटरसिटी एक्सप्रेस का, और वो है पाटलिपुत्र. पाटलिपुत्र में ट्रेन 5 मिनट का हॉल्ट है, उसके बाद ट्रेन जाएगी सोनपुर. तो ये है पाटलिपुत्र स्टेशन, यहाँ 5 मिनट का हॉल्ट है. बाथरूम का कंडीशन दिखा देता हूँ, इस ट्रेन के बाथरूम का कंडीशन कैसा है. चलो, तो सामने देख सकते हैं मिरर लगा हुआ है, यहाँ बेसिन है, पानी आ रहा है लेकिन अभी गर्म पानी है क्योंकि ह्यूमिडिटी अभी 40 डिग्री से ऊपर है टेम्परेचर है इस वजह से. अब मैं आपको बाथरूम दिखाता हूँ. तो ये है बाथरूम, बेसिन लगा हुआ है, सामने मिरर, यहाँ होल्डर है, एक डस्टबिन है, मग्गा रखा हुआ है. बहुत लोग क्या करते हैं कि मग्गा ही गायब कर देते हैं, इसलिए इसमें जंजीर में लगा के रखा हुआ है. तो ये है बाथरूम पटना जयनगर इंटरसिटी एक्सप्रेस का. तो
सो फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं, कौन सा स्टेशन है भैया? घोसवर है सर। घोसवर भैया, भुजा बनाइएगा, रास्ता बनाइए। तो अभी तक हम लोग क्रॉस किए हैं पाटलिपुत्र, हाजीपुर, सोनपुर क्रॉस कर चुके हैं। ये घोसवर है, यहाँ जबकि ये स्टॉप है नहीं, लेकिन फिर भी गाड़ी लगी हुई है सर, अब क्रॉसिंग है इस वजह से। तो अभी फिलहाल भुजा खाने का मन किया आपके भाई को, भुजा बन रहा है, उसके बाद खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे भगवानपुर, अगला स्टॉप है भगवानपुर। घोसवर है सर, यहाँ से 12 किलोमीटर। क्या कुछ बोलना है क्या? हाँ hours later. सो फाइनली वी रीच आवर फाइनल डेस्टिनेशन समस्तीपुर जंक्शन। तो अपनी जर्नी यहीं तक थी, और इस ट्रेन के बारे में आपको बता दूं, पटना जयनगर इंटरसिटी एक्सप्रेस का टिकट प्राइस मैं बता रहा हूँ, एसी चेयर कार का टिकट प्राइस है 365 रुपया, और एक साल से 5 साल के बच्चे का टिकट चार्ज बिल्कुल भी नहीं लगता, फ्री है। और 5 साल से 11 साल के बच्चे का चार्ज 170 रुपया मात्र है, मतलब 50% डिस्काउंट है। तो ये था टिकट प्राइस इस ट्रेन का, एसी चेयर कार का, और ये जयनगर तक का, पटना से जयनगर तक का मैंने आपको प्राइस बताया। सो इस ब्लॉग यही लास्ट करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में फिर से कुछ नई चीज़ों के साथ, फिर से नया जर्नी होगा। और आप चैनल पर पहली बार आए तो पता को क्या करना, हिट द लाइक बटन। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। कोरोना भाई क्यों नहीं कर रहे? ऐसा ब्लॉग भाई कोई नहीं देगा, लगातार इस तरह ब्लॉग देना। अगर हाँ भाई कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट ना करके इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, जैसे ही आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करेंगे मैं वहाँ आपको इंस्टेंट रिप्लाई देता हूँ। बहुत लोग कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करते हैं भाई, कमेंट का मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, यूज़र आईडी VS मोन आप देख ले शो कर रहा होगा, मैसेज करें, मैं वहाँ आपका रिप्लाई 100% दूंगा। मिलते हैं अगले जर्नी में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। सी यू सून, टिल देन पीस, बाय बाय।